आज के वीडियो में आपको आर्यन खान के केस की इम्पोर्टेंट डिटेल्स के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की कस्टडी की आज कोर्ट हेयरिंग है और इसके लिए सतीश मानसिद्दे ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। वो हर हाल में आर्यन को बेल दिलाकर रहेंगे और इसके लिए शाहरुख खान ने भी सतीश मानसिद्दे को यही कह रखा है कि आज हर हाल में आर्यन की बेल हो जानी चाहिए, मगर शायद आज ऐसा ना हो पाए। पिछली दोनों बार कोर्ट ने एनसीबी की ही बात सुनी है और आज भी लगता है कोर्ट को फिर से एनसीबी की सुननी पड़ेगी। आर्यन केस में एनसीबी ने बहुत बड़ी डेवलपमेंट की है और इसी केस में रात को एक शख्स को बांद्रा से एमडी के साथ अरेस्ट किया गया है और ये आर्यन और शाहरुख खान के लिए प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शख्स का आर्यन और उनके फ्रेंड अरबाज से बहुत गहरा संबंध है और अगर इसने कोर्ट में गवाही दे दी तो कोर्ट को एनसीबी की ही बात माननी पड़ेगी। आर्यन का फोन ऑलरेडी फॉरेंसिक के लिए भिजवाया गया है और उससे भी कुछ ना कुछ सामने जरूर आने वाला है। अगर आज आर्यन को बेल नहीं मिलती तो ये सतीश मानसिद्दे जैसे लॉयर की बहुत बड़ी हार होगी। कुछ ही देर में इस केस का डिसीजन तो सामने आ ही जाएगा और आर्यन की किस्मत का फैसला भी हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि आर्यन को बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी और आपको आर्यन के बारे में ये सब जानकर कैसा लग रहा है, हमें कॉमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।